स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 1 ए, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम स्टार्ट किए हैं कक्षा 6 की बुक। अब हम लोग कक्षा 6 की बुक को पढ़ेंगे और उसके सारे सवाल पढ़ेंगे। हालांकि मैं 7 का और 5 का, 9 का, 10 का पढ़ा चुका हूँ और अभी 6 का पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इसके में जितने भी सवाल होंगे, मैं जैसे कक्षा 7 का पढ़ाया हूँ, कक्षा 5 का पढ़ाया हूँ, कक्षा 9 का, कक्षा 10 का, जैसा भी पढ़ाया हूँ, वैसे भी कक्षा 6 का पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। एक एक सवाल बताऊँगा, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो जो विद्यार्थियों को, चाहे वो तेज हों, कमज़ोर हों या फिर बहुत बढ़िया हों, जो भी हों, जैसे भी हों, उन सब के लिए मैं एक एक सवाल लगाऊंगा, वो यहाँ से सारे क्वेश्चंस को देख सकेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है क्या। तो जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को, ठीक है ना, संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को किस में व्यक्त करना है, अंकों में व्यक्त करना है। तो यहाँ संख्यकों में लिख दिया है, व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 427, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 427 को लिख देना है। 400 बोला है तो 4 हो जाएगा और 27 मतलब 27, इस तरीके से 427 लिखा है। कक्षा 5 में आप पढ़ चुके होंगे ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो 427 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगला दिया हुआ है 3000, ठीक है ना, 3501, तो 3000, ठीक है, 500 और 1, ठीक है, 501 कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3501, ठीक है। फिर लिखा है 115, तो आप इसको लिखेंगे 115, 100 हो गया और 15, ठीक है। फिर लिखना है आपको 79029, फिर आपको क्या लिखना है, 79029, गलती मत करिएगा, 79 होता है, 79029 सिर्फ लिखना है। तो आपको कितने जीरो लगाने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि 79 डायरेक्टली हो गया 29, मतलब 29, ठीक है, 79029। आपको अगर दिक्कत होगा तो आप काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, ये 10000 मतलब 79000, ठीक ना। और यहाँ पर 29 डायरेक्टली है तो जीरो नहीं, जीरो लगाएंगे और उसके बाद 29 को लिख देंगे। दूसरा जो दिया हुआ है, इसका अ दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला दिया हुआ है 7019, आपको काउंट कैसे करना होगा वो ध्यान रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो लिखेंगे 7, ठीक ना, हजार, हजार, ठीक है, 19 जैसा लिखा है आप उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक ना, 19, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कैसा है, दिया हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000। देखिए 10000 मतलब जब 10000 आएगा या 10 लाख आएगा तो दो संख्याओं को लिखते हैं, तो मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000 मतलब दो को लिखेंगे, मतलब 23, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, 23, ठीक है, 23000, यहाँ पे बड़ी ई रहेगा, 23000, हजार, फिर क्या है हमारा 13, डायरेक्टली क्या है हमारा 13, तो 13 लिख देंगे, 13, 23000 13। अब अगली जो तीसरी संख्या दिया हुआ उसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, 10000 का मतलब ये होता है 69379, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग 69000, ठीक ना, 69, ठीक ना, 69000, इसमें आधा तब रहेगा, एक लाइन स्टेटस खींच लीजिएगा, 69369 भी लिखिएगा, हजार, हजार, ठीक ना, 300, ठीक है, 300 और 79, ठीक है, 79, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो सवाल दिया उसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, कितना है हमारा लाख पे, एक ही लाख का है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख मतलब 8 लाख, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा लाख, 8 लाख। फिर यहाँ पे अगर दिक्कत होगा तो फिर एक बार गुणा मतलब कि गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक ना, काउंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पता है कि 893059 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 893059, तो 893059, ठीक ना, हजार, और क्या हमारा 59, ठीक है, 59, तो 59 लिख लेंगे। इस तरीके से दूसरे का अ हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं दूसरे के ब पर,
दूसरा को जो ब दिया हुआ है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो, ठीक है। जैसे दिया है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, मतलब यहाँ पे देखिए 100 जीवाणु अंडे, जीवाणु अंडे कितने हैं हमारे 100 हैं। इसको आपको किस में लिखना है, देखिए यहाँ पे संख्याओं को शब्दों में लिखना है, तो 100 जीवाणु अंडे हैं, तो यहाँ पे 100 को अगर संख्या में लिख लेंगे और उसके बाद इसको शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 100, कैसे लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। फिर दिया हमारा कितना, जीवाणु कोष कितने 1000, तो यहाँ पे पहले 1000 लिख लीजिएगा अंकों में, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा 1000, ठीक है, 1000, एक, ठीक है, 1000, और यहाँ पे भी 100 लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 100 लिख लीजिएगा, 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है ना, कितने हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10000, लाख, 10 लाख, मतलब कि 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लाख, 10 लाख, ठीक है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे विषाणु, विषाणु कितने दिए हैं, वायरस कितने हमारे 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1 करोड़ 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7, इसको लिखेंगे 1 क्या हो जाएगा हमारा करोड़, करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक है। अब देखिए यह नीचे की संख्या दिया हुआ है, इसको हम लोग करेंगे तीसरे सवाल को, कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए, तो जो अंकों को छांटना है उसमें कुछ विशेष नहीं करना है, आपको अलग अलग कर देना है। जैसे 10 को अगर छांटना है तो इसमें कितने अंक हैं, 2, मतलब 1 है और ये 0 भी है, ठीक है। अब दूसरा 11 में कितने अंक हैं हमारे, 1 और 1 से मिलकर 11 बना, मतलब 1-1 अलग अलग कर लेना, बस छांटना है आपको। फिर यहाँ पे 18 में अगर अंकों को छांटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 8, मतलब 1 को इस तरीके से लिखेंगे और छांट के यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर 0 को तो 0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 के छांटने पर वही होगा। फिर 3 को भी क्या करेंगे, वही लिख देंगे 3 को। अगर सीरियल नंबर से लिखना चाहते हैं तो कॉमा और लगाना पड़ेगा बार बार, और आपको छांटते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अब आते हैं हम इसके चौथे सवाल पे और देखते हैं कि चौथा सवाल है क्या। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, जिसको मतलब एक भी अंक दूसरी बार दोहराया नहीं गया हो उसमें, और 3 अंकों की ही लिखनी है, मतलब 1, 2, 3 से बनने वाली। तो सबसे पहले सीरियल नंबर से है वैसे लिख देंगे, पहले 1, 2 और 3, एक संख्या ये बन गई। दूसरी इसको बीच में लिखेंगे, इसको साइड में लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई। तीसरी क्या लिखेंगे, अब जो पीछे है ना उसको हम लोग आगे करते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले को हम लोग क्या करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 और क्या हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए इतना आ गया, अब क्या करेंगे कि जो पीछे है उसको एक बार और आगे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3, 1 और 2। अब 2 को फिर से अगर आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन 3 को एक बार और बदल सकते हैं हम लोग 3, और इसको एक बार आगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, ठीक है, 3, 2, 1। इस तरीके से आपका 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं बनी हैं, और आप चाहते हैं इसमें एक और संख्या बन सकती है, देखिए कौन सी संख्या बन सकती है, 200, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो सकता है, 31, देखिए 231 भी बनेगी, क्योंकि 2 है, 3 है और 1 है, 2 और 3 1, कहीं और नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 6 संख्याएं बन पाएंगी, ठीक है, 6 संख्याएं बनाएंगे। आप दूसरी संख्या बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या बन पा रहा है, अगर बन जाएगा तो बना लेंगे, नहीं तो फिर इसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। ये तरीका लगाइएगा, पहले 1 से जितनी भी संख्याएं बनेंगी उसको बना लीजिएगा, 1 से 2 संख्याएं बनेंगी, 2 से भी 2 संख्याएं बनेंगी और 3 से भी 2 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्याएं बन जाएंगी। अब आते हैं हम लोग इसके पांचवें सवाल पे, जो पांचवा सवाल दिया हुआ है आपका कि 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए, जबकि अंकों का अंक पुनरावृत्ति न हो, मतलब दोहराया न जाए।
तो जब अंकों का अंक दोहरा यहाँ पे जो अंक है उनको तीनों अंकों को दोहराया नहीं जाता है, तो पहला जो बनेगा वो बनेगा, तीन अंकों में भी बनाना है ये भी बात ध्यान रखेंगे, तो जीरो तो कभी आगे नहीं होगा क्योंकि जीरो अगर पहले लगा देंगे दो अंक में हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाएंगे 3, 0 और 5, एक तो ये बन गया। दूसरा इससे बड़ा अगर बनाते हैं तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 0, दो हो गया। अगर तीसरा उसके आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 0 और 3, ये हो गया। फिर एक और बनाना चाहेंगे तो 5, 3 और 0, यही ये एक चार संख्याएं जो हैं वो इससे बन पाएंगे। अब चलते हैं हम इसके छठे सवाल पे और देखते हैं कि छठा सवाल है क्या। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 6705 से चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो लिखेंगे हम लोग कि 6, 7 यहाँ पर हो जाएगा 0 और 5 से बनी, ठीक ना, बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे, ठीक ना, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी यहाँ पर हो जाएगा संख्या। तो बड़ी संख्या अगर हम लोग बनाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या से स्टार्ट कर, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, तो 7 लिखेंगे, उससे थोड़ी छोटी क्या है 6, उससे छोटी क्या है 5, तो 5 लिख लेंगे, उसके बाद लास्ट में 0 लगा लेंगे, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब लिखेंगे हम लोग 6 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 से बनी, से यहाँ पर हो जाएगा बनी सबसे, ठीक है ना, सबसे यहाँ पर हो जाएगा छोटी संख्या, क्या हो जाएगा हमारा छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी वो देखिए, देखिए जब भी छोटी संख्या लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं हम लोग, उससे छोटी, उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या कोई भी उसको पहले लिखेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या, 5, तो 5 को पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 0 को लिखेंगे, उससे छोटी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर हो जाएगा, उससे यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 7। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या ये बन करके आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके 7वें सवाल पे। तो जो 7वां सवाल दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखी है, तो लिखेंगे 5 अंकों की, यहां पे लिखेंगे 5 अंकों की, ठीक है ना, इसमें कोई नंबर नहीं दिया है, इसमें कोई नंबर दिया था और इस वाले जो सवाल है 7वां सवाल में इसमें बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जब भी कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 5, 9 लिख देना है गिन के, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब लिखिएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, 5 अंकों की, अंकों की, ठीक ना, अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या, छोटी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा और 4 0 लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5 अंक हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक होंगे। तो इस प्रकार से ये 7वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग जो है 8वां सवाल देखेंगे। 8वें सवाल में दिया है 5, 2, 1 और 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, मतलब 5 का, 2 का, 3 का और 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जब भी किसी का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 1 लिखेंगे और 1 के आगे जितने नंबर है उतने 0 लगा लेंगे, 1 के आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए कोई 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 का निकालते हैं, तो जब 3 का आप निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, इसके आगे जितने नंबर होंगे उतने 0, मतलब 1 नंबर है तो 1 0 लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे जब ये यहाँ पे 2 को करेंगे तो 2 का आप करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, 2 के आगे जितने नंबर होंगे उतने 0, मतलब 1 2 नंबर है मतलब 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 5 को करते हैं तो 5 का जब भी करेंगे तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे और जब भी देखिए 1 2 3 तो 3 0 लगा लेंगे, इसके सामने जितने भी नंबर होंगे उतने 0 लगा लेंगे, यही इसका स्थानीय मान होगा और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 9वें सवाल पर। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 6 3 6, ठीक ना, 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, मतलब 6 है 3 है और 6 है इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा यहाँ पे 6 लिखेंगे और 6 के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। अब देखिए इस 6 का जब निकालते हैं हम लोग, तो जब इस 6 का यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे तो 6 लिखेंगे, इसके सामने कितने 0 हैं, 1 2 0 हैं, अरे सॉरी 2 अंक हैं, 1 2 अंक हैं, तो 2 0 यहाँ पे लगा लेंगे और यही इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां सवाल में बोला है कि इतना, मतलब 3 3 3 4 में, मतलब 3
3334 में तीन के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप तीन लिखिएगा और यहाँ पे चार है तो सबसे पहले चार से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतने तीन को बोला है, तो हम लोग जो भी करेंगे वो तीन के साथ करेंगे। मतलब तीन को इस तरीके से लिखिएगा और तीन का जो स्थानीय मान होगा तीन लिखिएगा, कितना जीरो लगेगा, एक, तो यहाँ पे एक लगा देंगे। क्यों जीरो एक लगेगा, क्योंकि इसके सामने एक अंक है। फिर तीन को निकालेंगे इस तरीके से और इसको फिर तीन लिखेंगे, कितने जीरो लग सकते हैं, एक दो, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दो जीरो लग जाएगा। फिर यहाँ पे एक आगे की तरफ कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा तीन और कितने जीरो हैं, एक दो तीन, तो इसका मतलब एक दो और तीन जीरो लग जाएगा, इस तरीके से लग जाएगा। लेकिन बोला है कि तीन के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तीन के, ठीक ना, तीन के विभिन्न, ठीक ना, विभिन्न विभिन्न स्थानीय स्थानीय मान का, ठीक ना, मानों का यहाँ पर हो जाएगा योग, योग। अब योग करना है तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा तीन और यहाँ पर तीन जीरो, फिर उससे छोटी क्या है, तीन है और यहाँ पर डबल जीरो, फिर उसके बाद तीन है और यहाँ पर जीरो है और सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा तीन और यहाँ पर हो जाएगा तीन और यहाँ पर हो जाएगा तीन, तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका दसवां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 11वें सवाल पर। ठीक है, 11वां सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मैं जो वीडियो देखूं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए और वो फिर से वो वीडियो को देख सकें। ठीक है, 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2222 में प्रत्येक दो के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दो 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 और दो, इसमें दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, दो, इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो मतलब कोई जीरो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए दो का जो स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, इसके सामने जीरो है तो जीरो लगा लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा दो, इसके सामने कितने नंबर है, एक दो, तो इस यहाँ पे हो जाएगा एक और दो। फिर इसके सामने यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, दो और कितने जीरो, एक दो तीन, तीन अंक है मतलब तीन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे सभी अंकों का, सभी स्थानीय मानों का योग लिखेंगे सभी, ठीक है ना, सभी स्थानीय मान का, स्थानीय, ठीक ना, मान का योग, मान का योगफल, योगफल, योगफल लिखेंगे। हमने बताया सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा दो और तीन जीरो है तो तीन जीरो पहले लगा लेंगे। फिर यहाँ पे इससे बड़ी छोटी संख्या क्या है, दो और डबल जीरो है, डबल जीरो कर लेंगे, फिर दो जीरो कर लेंगे, फिर दो कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा दो, फिर इसको जोड़ेंगे दो, फिर इसको जोड़ेंगे दो, फिर इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दो। इस प्रकार से ये आपका जो आंसर हो जाएगा 2222 रुपए, ठीक है, सॉरी 22 रुपए नहीं, 2222 ही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके 12वें सवाल पे और देखते हैं कि 12वां सवाल है क्या। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम पांच तथा द्वितीय पांच के स्थानीय मान का अंतर बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पांच, चार और पांच, पहले पांच का स्थानीय मान हो जाएगा पांच, इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो कोई जीरो नहीं होगा। फिर दूसरे जो पांच होगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा हमारा पांच, तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके सामने कितने अंक हैं, एक दो, इसका मतलब इसमें हम लोग दो जीरो लगा देंगे। फिर बोला है कि दोनों स्थानीय मान मतलब प्रथम और तथा द्वितीय स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो प्रथम और द्वितीय स्थानीय मान का अंतर लिखेंगे प्रथम, ठीक ना, प्रथम तथा द्वितीय, ठीक ना, द्वितीय द्वितीय स्थानीय मान का स्थानीय, ठीक ना, मानों का अंतर, मानों का अंतर, अंतर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 500, सबसे बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पे 5 को नीचे रखेंगे, फिर माइनस लगा लेंगे। ये इससे जीरो नहीं जाएगा, एक कैरी करेगा, यहाँ पे 10, 10 भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक कैरी करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 का क्या हो जाएगा हमारा 5। फिर यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, एक हासिल दे चुका था तो 4 बच गया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 495। और इस प्रकार से ये जो पहला चैप्टर था 1A, ये पूरी तरीके से हुआ खत्म। यदि
यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, जहाँ भी, फेसबुक पर, जहाँ भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।